हमारे मुंबई शहर के लोकल ट्रेन्स में एक लड़का रोज ट्रैवल करता है, पर वो जिंदा नहीं है। रिसेंटली ये सारे इंसिडेंट्स काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, खासकर लोकल ट्रेन्स में। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़के को माहिम स्टेशन और बांद्रा स्टेशन के आसपास कहीं पे भटकता हुआ देखा गया है। अब ये कहानी शुरू होती है। जतिन नाम का लड़का चर्च गेट में काम किया करता था एंड वो रोज नाला सुपारा से अपनी ट्रेन पकड़ता था चर्च गेट के लिए, क्योंकि उसका रोज लाइक रात को आना जाना होता था, तो उसका एक अच्छा ग्रुप भी बन गया था एंड उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया था अब्दुल। लेकिन जब से अब्दुल और जतिन की दोस्ती हुई थी, ये ग्रुप वालों ने जतिन को इग्नोर करना चालू कर दिया था। अब्दुल हर रोज माहिम स्टेशन से ट्रेन पकड़ा करता था एंड करीब एक महीने से वो रोज जतिन से मिल रहा था। लेकिन अचानक से अब्दुल का आना जाना बंद हो गया एंड जतिन को काफी स्ट्रेंज लगा, तो वो उसके घर चला गया क्योंकि उसने एड्रेस बताया हुआ था। एंड जब वो उसके घर पहुंचा तो पता चला कि अब्दुल नाम का लड़का 4 साल पहले ही माहिम के एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। जतिन को लगा कि इसके माँ बाप झूठ बोल रहे या फिर ये इसके माँ बाप ही नहीं है। फिर उसने अपने ग्रुप मेंबर्स से जाके पूछा ट्रेन में एंड ग्रुप वालों ने कहा, भाई कौन अब्दुल, किसकी बात कर रहे तू? इसी रीजन के वजह से हम लोग तुझसे बातचीत करना छोड़ चुके, क्योंकि तू अपने आप से ही ट्रेन में बात करने लग जाता था। आखिर में जतिन को सब समझ में आ गया कि हाँ, वाकई में अब्दुल की मौत 4 साल पहले हो चुकी थी एंड मैं अब्दुल से नहीं बल्कि उसकी आत्मा को रोज माहिम स्टेशन में देखा करता था। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करो अमान पारकर राइट नाउ एंड अपने दोस्तों को भी बताओ कि